कारवान के इलाके मोगलकनाला के करीब वाक़े कोका कोला फैक्ट्री के पास मौजूद फर्नीचर गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुकामी अवाम ने इस बात की इतला पुलिस और आतिश फरो अमले को दी, जिस पर फौरन हरकत में आते हुए पुलिस मुकामी वाक़े पहुंची और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आतिश फरो अमले की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी माली नुकसान बताया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। बादजा फर्नीचर गोदाम के मालिक अब्दुल कलीम और पुलिस अहदेदार एम सनवास रेड्डी ने मीडिया को मजीद तफसलात से वाकिफ करवाया और कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहियुद्दीन ने मुकाम वाक़े पहुँच कर हालात का जायजा लिया। सुनो भाई, कारखाना जो है फर्नीचर फैक्ट्री के नाम से था मेरा वर्कशॉप। इसके अंदर जो है पूरे काम चलता था, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, फर्नीचर का पूरा आइटम बनता था। सुबह 10:30 बजे के टाइम पे जो है एक बच्चे का फ़ोन आया वर्कर का कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एग्जॉस्ट फैन में आज आग लग गई। उसके पीछे थोड़ा सा नाला है, नाले की तरफ से उसमें थोड़ा डस्ट था, पूरा गर्बेज था, उसकी वजह से जो है उसमें आँच लग के पूरा कवर करा। वो लड़का जो है वो बाहर यूपी का बच्चा था, डर के भाग गया। उसकी भागने के चक्कर में जो है ज़्यादा एकदम उसको नहीं कंट्रोल कर सके। और वर्कर अभी 11 बजे आने का था, 10:15 बजे रहने से पूरे जने कोई भी नहीं थे उसमें ज़्यादातर जने। मेरे को भी रास्ते में था, मैं कॉल आया आज तो मैं पूरा जाके देखा और वहाँ पे कुछ बचा सके नहीं थे। फायर इंजन को भी फ़ोन करा मगर फायर इंजन आने के लिए भी टाइम लग गया बहुत, उसको भी 2 घंटे लग गया, 1.5 घंटा तो फायर इंजन आने लग गया। उसमें पूरा जल गया मेरा माल। मेरा अंदाज़ा जो है 2.5 करोड़ 50 लाख रुपीज़ तक था। मैं जो है ये 1 ईयर हुआ था इसको खोल के। अब उसको जो है दिसंबर में जो है मेरे को बैंक की तरफ से जो है CD भी लिया था मैं।
फायर परमिशन तो नहीं लिया। अब जो है यहाँ पे कारखाना 3 महीने से ज़रा बड़ा चला रहे थे, अभी जो है इंश्योरेंस के काम का तो कुछ भी नहीं काम करे। अभी जो है हमारे पास कारखाने में जो है जितने भी काम करने वाले थे अब सब जने जो है परेशान है, पूरे परेशान है, काम तो पूरा बंद हो गया। बहुत बड़ा काम था। कितने पार्टनर थे? पार्टनर नहीं, भाया थे, मेरे भाई है मगर मेरा नाम पे मेरे ही है, भाया पूरे मिलके काम करते थे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलीम है। फायर सेफ्टी कुछ 5 kg के तो मगर वो लोग कुछ भी कर नहीं सके। कोई आदमी थे आपके पास? 2-3 जने थे वो लोग, मगर वो लोग डर के जो है वो भाग गए, लोग बाहर निकल गए। किसी को आदमी को कुछ नुकसान हुआ? मेरा अकेले का नहीं है, मेरे पास जो है कम से कम बाहर के वर्कर जो वेजेस पे काम करते हैं वो लोग भी बाहर से आके काम करते, मेरे पास भी काम करते, 100 जने के ऊपर बच्चे काम करते मेरे पास। मोगलकनाला एरिया में एक अभी 11:30 बजे एक बड़ा टिन शीट रूफ शेड एक फायर हुआ है। वो शेड के नीचे पूरा वुडन आर्ट पील्स फर्नीचर और मशीनरी और बहुत सारे सामान है, इसीलिए वो फायर ज़्यादा है। इसीलिए हम 3 फायर इंजन को बुलाया, वाटर टैंकर्स को बुलाया और हम फायर फाइटिंग ऑपरेशन अभी जारी है और 2 फायर इंजन को भी बुलाया गया। बहुत जल्दी हम फायर को पुटअप करते हैं। अभी फायर इज अंडर कंट्रोल एंड इट इज़ कन्फर्म्ड, अभी इधर उधर एक्सटेंशन होने का पॉसिबिलिटीज नहीं है। हम बहुत जल्दी फायर को पूरा बुझाएंगे। सर ये कैसा लगा, क्या वजह? पूरा इन्फॉर्मेशन हमें लोकल ऑफिसर फायर बुझाने के बाद हम पूरा इंक्वायरी करके और उसके ऊपर केस भी डालते हैं। पूरा टी-शर्ट के नीचे क्या था सर? ये वुडन है, अभी आप देख रहे हैं पूरा कोलैप्स हो गए फर्नीचर। अभी प्रीमियर रिपोर्ट्स के मुताबिक हम ये वुडन आर्टिकल्स फर्नीचर और बनाने का मशीनरी भी है और पूरा पर्टिकुलर्स हम लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नुकसान कितना हो सकता है? नुकसान भी अभी ओनर से अभी हम मुलाकात नहीं हुआ है, अभी फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी है, अभी बहुत जल्दी।